हे व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग. दिस इज संडेज मॉर्निंग. सो आज मेरा प्लान है कुछ संडे स्पेशल करने का, जो एकदम कुमाऊनी स्टाइल में एकदम रॉ रेसिपी में लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है कोकला. कोकला बनाने वाला हूँ मैं. कोकला कैसे बनता है, उसके कैसे बनाएंगे हम आपको बताने वाले हैं आज. उसके लिए मुझे सिंपल सा आटा चाहिए, आटा जो मैंने तैयार करके रखा है यहाँ पे, और पानी. तो मैं अब इसको गूंदने वाला हूँ. ये गूंदना शुरू कर दिया. मेक श्योर कि जब आटा आप गूंद रहे हो तो आपका आटा एकदम टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कोकला है वो जब हम उबालेंगे इसको थोड़ी देर बाद ये गीला हो जाएगा. तो गाइस, ये आटा जो है अब तैयार हो चुका है. अब ये पानी को गर्म करेंगे, हम बॉइलिंग में डाल देते हैं पानी को, साथ साथ में हम इसका नूडल बनाना था. गाइस, ये हम लोग हैंडमेड नूडल बना रहे हैं. दरअसल ऐसा होना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा ड्राई आटा हाथ में भी ऐसा रहना चाहिए, सो दैट ये चिपके ना और ये थोड़ा ड्राई ड्राई रहे. इससे इसी तरह से हम बनाते रहेंगे और ये पूरा जब हो जाएगा तो साथ साथ में हम गर्म पानी भी हमने रखा हुआ है. डे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है. अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से खोलते हुए पानी में, पानी हमारा खोल रहा है, ऐसे पकड़ेंगे इसको हम, इस तरह से इस पर लगा देंगे. और हमें कुछ करना नहीं है, इसको मिलाना नहीं है, ये अपने आप ही पानी इसका जगह ले लेगा और ये खुलना शुरू हो जाएगा. सो गाइस, ये उबल रहा है. अब देखिए आप, ये छूटने शुरू हो गए हैं. हमने इसको इसके अंदर एंट्री करी थी उस तरह से कि ये चिपक रहे थे संभाव. अभी धीरे धीरे ये खुलने शुरू हो चुके हैं. अब इसको थोड़ी देर, हम करीब 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे इसी आंच पे, गरम आंच पे, सो दैट ये कुक होके तैयार हो जाए. फिर इसको हम छान देंगे और थोड़ा ठंडा कर देंगे. और इसी कढ़ाई में बाद में हम इस पे मसाले और तेल के साथ में तड़का लगाएंगे. और बने रहिए मेरे साथ चैनल में, सो दैट आपको कैसे इसका प्रोसेस आगे जाता है वो आपको आइडिया आ जाएगा. सो हियर वी गो गाइस, अपनी तरफ से ये कोकला उबल के तैयार है. अब हम इसको धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं. मेक श्योर बहुत गर्म है ये, कि थोड़ा सा सेफ्टी अपना ध्यान रखना जरूर होता है. जैसे मैंने ये निकाल लिया, अब मैंने इसको यहाँ छन्नी वाले में रख दिया, फिल्टर वाले में, सो दैट इसका पानी जितना भी इसमें गया है तो ये नीचे पैन में आ जाएगा. और अब गैस भी बंद कर देते हैं तो ये उबलना बंद हो जाएगा. और हम इसे निकाल के इसको रख लेते हैं, जैसे नूडल करते हैं वैसे सेम है. तो नूडल्स मैंने अब उतार दिए यहाँ से कोकला. और कोकला के अलावा हमारे यहाँ कुमाऊँ रीजन में कहीं कहीं इसको चम्फिन भी बोलते हैं. चम्फिन अगेन चाउमीन को थोड़ा सा फोर्टिफाइड हो जाता है चम्फिन. और कहीं कहीं जगह पे इसको लेंदरा भी बोलते हैं. लेंदरा मतलब जो लॉन्ग स्ट्रिप्स होते हैं उनको लेंदरा कहते हैं कुमाऊँ लैंग्वेज में. तो ये चम्फिन भी है, ये लेनरा भी है, ये कोकला भी है, और ये नूडल भी है, और ये साथ साथ में चाउमीन भी है और स्पेगेटी भी है. अलग अलग रीजन में इनके अलग अलग नेम्स हो जाते हैं. और अब मैं इसको धोने वाला हूँ, उसके बाद इसके पानी को गिरा देंगे, फिर हम इसको फ्राई का प्रोसेस करेंगे. तो गाइस, ये मैंने धो दिया है इसको नूडल को. अब नूडल को आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग आ चुका है. हल्का सा मैंने तेल लगा दिया है थोड़ा चिपके ना धोने के बाद. और अब हम इसको थोड़ी देर में फ्राई करेंगे. बाय द टाइम जितना भी इसमें पानी है वो पानी अब निकल के नीचे पैन में गिर जाएगा. तो गाइस, हमारा चम्फिन कोकला तैयार है, वो पक गया है. हमने उबाल लिया उसको और इसमें हमने अब कढ़ाई को गर्म कर ली है, लगभग गर्म हो चुका है. तेल हम डालेंगे सरसों का तेल, हमेशा सजेस्ट करता हूँ, वही कच्चे घानी का तेल ही जो है इस शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है.
रिफाइंड को इस्तेमाल ना करें, वो लॉट बेटर रहता है। समहाउ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे पास सरसों का तेल, ये धुआर है, सरसों का तेल है, और ये मैंने स्पाइसेस कूट के रखे हैं, स्पेशल फ्रॉम उत्तराखंड स्पाइसेस है। इसको हम कहते हैं तिमूर। तिमूर को दूसरे लैंग्वेज में आपको मार्केट में मिल जाएगा एज एन चाइनीज़ पेपर कॉर्न के तौर पे। और इस पर मिक्स किया है मैंने गंदरेन। गंदरेन समहाउ जब भी आप उत्तराखंड ट्रैवल करते हो, कोई भी स्पाइसेस की दुकान में जाते हैं, तो गंदरेन आपको लकड़ी के पीस के रूप में मिल जाता है। वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके स्पेशली इन ऑर्गन्स के लिए। कभी आपको पेट में गैस हो रही है, दर्द हो रही है, या तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिजीजेस हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गंदरेन का आप इतना सा पीस मुंह पे लेके रख सकते हैं। सो और बाकी स्पाइसेस एज रेगुलर, मेरे पास जीरा धनिया पाउडर, मेरे पास लाल मिर्ची है, नमक है और हल्दी है। तो मैं तेल को इसमें डालूंगा। आई मेक श्योर कि तेल गर्म हो चुका है, और तेल इसमें थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रहेगी तेल की, बिकॉज ये चिपकने वाला स्टफ है तो उसको खुलना भी चाहिए। और हमारा तेल लगभग लगभग गर्म होने वाला है, और तब तो मैं नूडल को भी देख लेता हूँ। देखिए नूडल एकदम कोई चिपक नहीं रहे, एकदम खुले खुले नूडल्स हैं, तो इनको मुझे फ्राई करने में और भी इजी रहेगा। अब आपको पलटा चाहिए, जिसे हम पलटाते हैं इसको। और तेल ऑलमोस्ट टूवर्ड हमारा गर्म हो चुका है, और ये धुआर को मैं डाल रहा हूँ। धुआर अगेन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, धुआर एक तरह का हर्ब होता है। इसको समाव कह सकते हैं कि एक ये लहसुन की फैमिली से आता है, उसकी फैमिली से ये, बट ये जो होती है ये वाइल्ड होता है, ये घर में नहीं उगाया जाता। समा हम लेके आते हैं तो घर में उगा लेते हैं, बट मोस्टली ऑर्गेनिक है, 100% वाइल्ड है, और बहुत ही फायदेमंद होता है आपके लिए। कभी आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा जब आप आते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो लोगों जरूर ये तड़का आप कैरी कीजिएगा साथ में, और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी टॉस या तो फ्राइड स्ट्रब आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए जीरे के बदले में अगर ये इस्तेमाल करते हैं, आपको और भी फायदेमंद होता है। तेल गर्म हो चुका है तो हम थोड़ा स्लो कर देंगे आँच को, सो दैट ये चारों तरफ ज़्यादा धुआं ना करें। ये हमारा गंदरेन, मैंने इसमें ये धुआं डाल दी है, और इसको मिक्स हो गया लगभग लगभग, ये ब्राउन हो चुका है। और अब इसमें स्ट्रेट अवे हम क्या करने वाले हैं कि हम इस पर नूडल को डाल देंगे। मसाले अभी डालने नहीं है, मसाले हम इसके टॉप पे डालेंगे। ये मैंने पानी को निकालने के लिए इस पैन को नीचे रख दिया था, सो दैट पानी इसका जितना भी इसके अंदर पानी था वो निकल के आउट हो गया है। इसको मैं निकाल देता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, नमक। इसके ऊपर नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से, और जितना नमक खाते हो उतना डालिएगा। थोड़ा लेस रखेंगे तो वो भी बेटर है, आप ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा नमक हो गया तो दिक्कत हो सकती है। अब थोड़ा सा ये मसाला ऑलमोस्ट 2 पिंच के आसपास कहूँगा, मैक्सिमम इतना 2 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं, ये तो ये आपका मसाले का टेस्ट और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। इसमें मिर्ची अपने हिसाब से, जितना आप इसको खाते हैं घर में उसके हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। और हल्दी, आपके पास हल्दी रहती है घर में, तो इसको पीला कलर देने के लिए। ये कम्प्लीटली 100% हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में हम गिनते हैं। और जो ये स्पाइसेस है जो मेरे पास, हल्दी और सॉरी जीरा और धनिया पाउडर, इस सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। मैं हाथ पे कपड़ा लेके हम यहाँ से हेल्प इसका हेल्प करते हुए इसमें इसको मिक्स करने वाला हूँ। फाइनली हमारा कोकला तैयार है। इसको मैंने अच्छी तरह से टॉस कर दिया है, और इसमें जितने स्पाइसेस दिए थे एकदम वेरी एरोमेटिकली मेरे पास आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। मैं आपको परोस के आपको दिखाता हूँ कैसा ये लगता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ,
अभी तक भी आपने मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू दैट। आपको नए नए रेसिपीज हर दिन अपलोड होने वाले हैं। तो गाइज़, हमारा ये कोकला बनके एकदम तैयार हो चुका है और इस पर मैंने हल्की सी गार्निशिंग कर दी है। इस तरह से ये दिखाई देता है और ये कम्प्लीटली बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही हेल्दी लग रहा है। तो हम इसका आज ब्रेकफास्ट करेंगे, आप भी बनाइए, आप भी इन्जॉय कीजिए। तो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का जो मैंने ब्रेकफास्ट तैयार करा है उसका नाम 100% कोकला है। और आप अगर देखते हैं वेबसाइट में कहीं जाके देखते हैं, शायद से आपको मिलेगा नहीं, बट जब आप एक्सप्लोर करते हैं टूवर्ड उत्तराखंड की तरफ, यहाँ पे छोटे मोटे ढाबों या तो रेस्टोरेंट जो भी मिलते हैं वहाँ पे ये आपको ब्रेकफास्ट के तौर पे मिल जाएंगे और आप इसको काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। साथ साथ में आज फूड फॉर थॉट ये है कि गाइस, मौसम चेंज हो रहा है, अब शायद से धीरे धीरे तापमान में, वेदर में कमी रहेगी, इतनी गर्मी नहीं रहेगी। ठंडे पानी को इस तरह से डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें, हो सकता है आपके गले में खड़ास बैठ के आपको वायरल हो जाए। सो दैट आप भी हेल्दी रहें, सब लोग हेल्दी रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।